इसे के कहने से आप कर रहे हो। डीएसओ साहब कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम डीएसओ साहब से बोल रहे हैं कि इस मशीन जो 7 साल पहले दी थी हमारे को, जिसका आज तक बिल नहीं दिया गया, जबकि सरकार कहती है कोई भी सामान लेते हो बिल पहले ले। ये सर हम इसलिए आए हैं कि नई पोस्ट मशीन वितरण हो रही है, तो हमने डीओ साहब से निवेदन कर रहे हैं कि सर ये मशीन जो चल रही है ऑलरेडी, तो आप चेंज कौन से नॉम से किसके अधिकारी से के कहने से आप कर रहे हो। डीएसओ साहब कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम डीएसओ साहब से बोल रहे हैं कि इस मशीन जो 7 साल पहले दी थी हमारे को, जिसका आज तक बिल नहीं दिया गया, जबकि सरकार कहती है कोई भी सामान लेते हो बिल पहले ले, तो सरकार जब खुद का एस्टिमेट देती है तो वो बिल क्यों नहीं देती है? उसकी गारंटी क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है? और आज इन अधिकारी महोदय, डीएसओ महोदय विनय कुमार जी ने ये मेरा एप्लीकेशन जो कि टाइप करी हुई, ये मेरा वो भी अधिकार छीन लिया इन्होंने, ताकि साइन करें, ताकि मैं कोर्ट में नहीं जाऊं। इसकी कीमत नहीं बता रहे, ये कितने साल तक वैलिड है, और जो मेरे को मशीन 7 साल पहले दी थी उस सरकार ने, कोई सी भी सरकार हो, तो उस सरकार ने भी हमारे को बिल नहीं दिया, जो अभी तक वो पैसा काटा जा रहा है करोड़ों में, जो कि गमन की श्रेणी में आता है। जबकि सरकार कहती है भ्रष्टाचार खत्म करें, तो अब ये भ्रष्टाचार सरकार कर रही है या ये अधिकारी कर रहे हैं, ये आप इस चीज़ को पूरे राजस्थान में बताइए कि हमारे साथ कैसा घुटाराकात हो रहा है। 4-4 महीने 6-6 महीने हमारे को कमीशन नहीं दिया गया, जो हम कहाँ जावे, जो कि 2500 रुपये, जो कि जब मेरे 2003 के अंदर दुकान दी गई थी उसके नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि 2000 यूनिट चालू हालत में दिए जाएंगे, जो आज तक मेरे को 2000 यूनिट तो छोड़ के मेरे को 100-150 यूनिट पे ही मैं दुकान चला रहा हूँ, जो कि कमीशन 2-2500 रुपये आता है, जो कि मेरे खुद की दुकान सिटी के अंदर होने के बाद उसका किराया 3000 या 4000 है, तो मेरे से फ्री में काम हो रहा है। नेट का खर्चा और खर्चा, रोल का खर्चा, अगर मैं चोर हूँ तो ऑनलाइन वितरण होता है, मेरे कार्डधारी से पूछा जाए कि मैं समय पर दुकान खोलता हूँ या नहीं खोलता हूँ। इन अधिकारियों ने मेरे को इतना परेशान कर रखा जिसकी हद नहीं। अच्छा, तो कैसे घरवा चलाना पड़ता है फिर आपको? हम कैसे चला रहे हैं और अदर काम, हम मेरा खुद माला का धंधा है, डेकोरेशन का काम है, उससे मैं काम अपना गुजारा चला रहा हूँ। ये समाज सेवा कर रहे हो? ये तो एक समाज सेवा हो गई इस तरह से, जो कि डीएसओ साहब से कमीशन की मांगते हैं। जो भी अधिकारी आता है, 2016 से मेरे को ऑनलाइन पेमेंट मिल रहा है, तो एक ही बात कहते हैं अपने अपने अकाउंट नंबर दो, तो क्या इनके पास हर महीने अकाउंट नंबर गायब हो जाते हैं या क्यों नहीं देना चाहती ये सरकार? आपका नाम? सुरेश कुमार सैनी, अजमेर का राशन डीलर हूँ, जो कि मैं बहुत प्रतापहीन, जब इनसे सूचना के अधिकार मांगते हैं तो ये सूचना का अधिकार तक मेरा वो भी इन्होंने उस चीज़ को भी दबा ली, कलेक्टर साहब के आदेश को दबा ली, जो मेरे पास एविडेंस है, इनकी जांच आएगी, मैं एक एक एविडेंस इनके आपके सामने कलेक्ट करूँगा।